तो क्या आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए या कैसा है, मतलब कैंपस कैसा है, पढ़ाई कैसी है? इस टाइम से यार आपके मैसेज आते थे, मतलब बहुत से मेरे साथ है अत्री, तो आज हम करेंगे कैंपस टूर। आप ये कर सकते हैं, यहाँ एक बहुत ही अच्छा वातावरण, बढ़िया सा व्यू आता है सामने का, बस तो थोड़ा लाइटनिंग कम है थिएटर के, फाउंडेशन नहीं डाल रहा, Hey guys, welcome back to another vlog. आज ये करने वाला GoPro से vlogging. लाइट भी जुगाड़ से चल रही है, बस आपके व्लॉग के लिए मैं ये लाइटिंग कर रहा हूँ। अभी मैं अभिनव को सिखा रहा हूँ कि व्लॉग कैसे करते हैं GoPro से, पर वो खड़ा है मेरे सामने, सीखना पड़ेगा यार क्योंकि अभी फोन डेड हो गया। तो आज ये करने वाला GoPro से vlogging. फोन हो गया तो अभी करते हैं यार इसी से शुरू, कैंपस टूर करता हूँ, इससे ही करता हूँ आज से शूट, देखते हैं इससे कैसा शूट होता है, बाद में बताना कमेंट्स में कि कैसा कैसा रहता है, देखते हैं। अभी फ़ोन यार चार्ज पे, बहुत टाइम से यार आपके मैसेज आते थे, मतलब अब उसको इंडिविजुअल में बताना यार बहुत मुश्किल होता था कि यहाँ कैसा है, तो कोर्सेज क्या है, कैसा कैंपस है, हॉस्टल, ये फीस वीस ये सब। तो यार आज सोचा व्लॉग बना लेते हैं, प्रैक्टिस पे भी नहीं गए, व्लॉग करते हैं अब शुरू। अभी मैं जस्ट हॉस्टल में ही हूँ अपने, बाकी चलते हैं यार अभी जल्दी से नीचे, नीचे से ही शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। तो यार अभी चलते हैं, बस जस्ट हॉस्टल से बाहर निकल गया, ये मेन गेट ही रहता है अपना, गेट से करते हैं शुरू, चलिए यार तो फिर आधा आधा सही नहीं रहता ना, तो अभी चलते हैं। देखो धूप भी, मतलब अब यार इस पर तो क्लिक भी नहीं होगा, तो अभी तक नीचे जाने वाली है, तब तक चलते हैं मेन गेट से शुरू करते हैं, ठीक है अपना व्लॉग। Hey guys, welcome back to another vlog. यहां से अपना व्लॉग शुरू करते हैं यार कैंपस टूर का। जी आप देख सकते हो सामने क्या मस्त सनसेट हो रहा है, बस होने वाला है कुछ टाइम में, मेरे साथ है अत्री, तो आज हम करेंगे कैंपस टूर पतंजलि यूनिवर्सिटी का। वो इस जैसे देख सकते हो यार आप पीछे, ये है NH 58 नेशनल हाईवे हरिद्वार टू दिल्ली, तो इसी में पड़ता है यार, रुड़की है थोड़ा आगे एंड हरिद्वार थोड़ा पीछे, तो बीच में पड़ता है ये। आपको दिखाता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो मतलब जब भी अगर कोई मतलब आ रहा है फीस वीस या मतलब एडमिशन उडमिशन के लिए, तो आपको सबसे पहले यहीं आना है, तो मेन गेट यहाँ है यार, मैं इधर से आया था थोड़ा शुरू करने, उधर ऑडिटोरियम है अपना, तो अभी लेके चलता हूँ मैं आपको, पहले इसमें चलते थोड़ा पास, अभी चलते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या सिस्टम है इधर का। तो अभी आ गए हैं हमारा अंदर, अभी जैसे सबकी ना छुट्टी हो गई है, जैसे 6 बज गई ना तो हम अंदर आ गए। ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो रिसेप्शन, तो यहाँ से अपना पता कर सकते हो जो भी कोर्स फीसेज जो भी है, मतलब पास में ही है एंट्रेंस, वहाँ से आए गेट से, मेन गेट से एंड देन इसमें, यहाँ पे देख रहे हो आप रिसेप्शन है अपना बढ़िया से, एंड आगे साइड चलते हैं। ये अपना नीचे ग्राउंड फ्लोर है पार्किंग, एंड देन ये फर्स्ट फ्लोर, देन इधर में आ जाते हैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हॉल, बहुत से ब्लॉक्स हैं यार इधर, तो इधर मैं आपको क्या ही दिखाऊँ आगे, ठीक है। तो ऐसा है इस साइड कुछ, GoPro से थोड़ा मतलब अलग सा लग रहा है व्लॉग करने में, बट मज़ा भी बहुत आ रहा है, इधर आओगे तो पता चल जाएगा। बाकी एडमिशन या फीस वीस जो भी रिलेटेड हो यहाँ पे पूछ सकते हो आप। अभी चलते हैं बाहर, चलते हैं दूसरी साइड, इस साइड से आ गए हैं हम, आ गए हैं सेंटर में, ये मेन गेट, ठीक है। इधर से आप कैंपस में एंटर होते हो, वहाँ पे गार्ड वार्ड ये सब, ये तो क्या ही दिखाऊँ मैं आप, प्रवेश द्वार हमारे उसमें प्रवेश द्वार है। अभी चलते हैं आगे, ये अपना है ऑडिटोरियम, जब भी यहाँ कुछ भी प्रोग्राम, जैसे आपको पता ही है व्लॉग्स में आपने बहुत देख ही रखे यार, यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं, तो इधर है अपना ये ऑडिटोरियम जिधर अपने सारे प्रोग्राम होते हैं। जो अपना ये ऑडिटोरियम है ना, ऐसा सुना है मैंने कि इसमें बहुत ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी है, अराउंड 2500 के अराउंड है, इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा है ये तो भाई चोट होगी भाई हवा में चोट, ठीक है। ये अपना ऑडिटोरियम, इधर जो भी प्रोग्राम चलते हैं, बाकी ये सबसे बड़ा एक मिनी उसमें ही है, जहाँ से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ले गया था आपको। तो भाई आगे से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑडिटोरियम के फ्रंट से अंदर आती इस साइड अपना पार्किंग, एंड ये है ऑडिटोरियम साइड से, एंड ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद ये आ जाते हैं, ये गेस्ट हाउस है यार, जैसे कोई गेस्ट वेस्ट आ गया ना बड़े बड़े, जैसे आते रहते हैं प्रोग्राम्स में, तो वो इधर स्टे करते हैं। ये है अपना एमपी थिएटर, तो अभी हम चले गए एमपी थिएटर के अंदर, इधर गेम्स वेम्स जैसे टेबल टेनिस बैडमिंटन कोर्ट प्रैक्टिस चलती रहती है बच्चों की। अभी जस्ट आ गए हैं यार एमपी थिएटर के आगे, एंड ये अपना अभी चलते हैं उस साइड, तो ये अपना यहाँ पे ये खोलते हैं यार, यहाँ पे ये इनकी ड्यूटी रहती है अभी तो ये मेरे साथ व्लॉग में, बट इनकी ड्यूटी रहती है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यार आउटडोर एमपी थिएटर, इसके अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो इस अभी मैं आ गया हूँ यार आउटडोर एमपी थिएटर के, फाउंडेशन नहीं डालूंगा, नहीं डाल रहा। तो यार अभी वो कर रहा ना कैंपस टूर, ठीक है अपना यज चलते हैं यहाँ पे हर सैटरडे को शाम को 4 बजे, जैसे कि आपने देखा होगा मैं बहुत कम ही आता हूँ इधर। इस साइड चल के देखते हैं, तो ये अपना लास्ट कैंपस इतने तक है, देन ये खाली ज़मीन है, देन सामने आचार्य कुलम है,
एंड ये अपना आचार्यकुलम की एंट्री, उधर का अलग व्लॉग कभी जाऊंगा तो बनाऊंगा उस साइड भी, बाकी बीच में खंडर है। एंड ये अपना आउटडोर एमपी थिएटर, तो यहाँ से भी यार थोड़ा सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ मैं आपको, बढ़िया बढ़िया। तो भाई अंदर से आ गया मैं बाहर, समोसा समोसा खाते एक पकड़ लिया, अभी जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। ये अपना एक और खंडर, देन इसके बाद ये आ गए हम जहाँ हमारी क्लासेस लगती है यार, कॉलेज की सभी बच्चों की क्लासेस ज़्यादातर यहीं लगती है, बाकी आगे साइंस फैकल्टी है उधर भी लेके चलेंगे आपको। तो इधर है ना, ये बैक साइड है कॉलेज का, एक चीज़ अच्छी मिल जाएगी आपको, फूल लगे रहते हैं इधर बढ़िया से, एंड प्रैक्टिसेस भी चलते हैं। पहले टर्न लेफ्ट में पड़ता है अपना ये कॉलेज, यहाँ अपनी क्लासेस लगती है, अभी जस्ट मैं आपको जल्दी से अंदर लेके चलता हूँ। देन ये है यार एंट्रेंस, एंड इसके बाद सबसे लेफ्ट में पड़ता है अपना बॉयज़ का योगा हॉल, जहाँ अभी एक ही बच्चा है। ये अपना बढ़िया सा योगा हॉल, तो ये बॉयज़ का हो गया ख़त्म। देन इसी के अपोजिट में है गर्ल्स का योगा हॉल, जगह तो बहुत है योगा के लिए, यहाँ भी देख सकते हो अंदर तो मैं जा नहीं सकता यार, अभी एक है यहाँ भी एक। इसके बाद इस साइड आ जाता है अपना, देख सकते हो आप जैसे स्नातक 2 यूजी, तो इधर अपनी क्लासेस लगती हैं यार नॉर्मली, यही जगह है क्लासेस की यहाँ से और वो सामने। एंड अपना ये लग रहा होगा ना स्विमिंग पूल जैसा, बड़ी स्विमिंग पूल नहीं है यार। एंड अपना लाइट भी जुगाड़ से चल रही है, बस आपके ब्लॉग के लिए मैं ये लाइटिंग कर रहा हूँ यार फ़ोन से, बाकी ये जस्ट हमारी क्लासेस लगती हैं इधर ऐसे ही। इस पे 3 फ्लोर है, ऊपर है लाइब्रेरी, तो अभी जाना बेकार रहेगा, वैसे व्लॉग्स में आपने देख लिया होगा कैसा कैसा इधर। तो यार ये अपना साइंस फैकल्टी होगी, इधर भी कुछ क्लासेस लगती हैं, वो दूसरे जो दूसरे कोर्सेज वाले हैं ना बीएससी ऑनर्स या फिर पर्टिकुलर, उनकी क्लासेस लगती हैं यार यहाँ सामने। बाकी अब राइट साइड में आ जाता है अपना बड़ा सा एक फील्ड, शाम शाम को मतलब गेम्स वेम्स चलते रहते हैं यार, फुटबॉल क्रिकेट उस साइड चल रहा होगा। एंड देन अब आगे चलते हैं यार, ये अपना पूरा रूट है सामने तक, सीधा ये सामने जाता है मैस में। एंड ये पीवीसी बंगलो, वो इधर जब भी आते हैं वो रेस्ट वेस्ट इधर ही करते हैं। भाई अपना आ गया सामने मैस, वो इतना लंबा मतलब होगा ये कम से कम 300 मीटर सामने से यहाँ तक। देन सामने आ जाता है अपना मैस, इसमें भी सेमी सर्कल है यार, आधा गर्ल्स का आधा बॉयज़ का। नीचे से ही देख रहा था उस दिन यहाँ फर्स्ट व्लॉग में, ऊपर चढ़ के मैं सोच रहा था यार आपको सिनेमैटिक्स दूँ, बट देख तो रखा ही आपने। ये अपना आ गया, यहाँ से राइट साइड आ जाता है बॉयज़ का एरिया पूरा, एंड लेफ्ट साइड गर्ल्स का। देन अपना बढ़िया सा व्यू आता है सामने का, बस थोड़ा लाइटनिंग कम है यार सामने। टीचर्स के फ्लैट्स हैं यार, जितने भी टीचर्स हैं यहाँ तो ज़्यादातर यहीं रहते हैं, तो ये उनके फ्लैट्स हैं। ये अपना हॉस्टल, ये यार रिसर्च बिल्डिंग, जो भी रिसर्च पीएचडी जो भी करते हैं यार ये हायर एजुकेशन, तो वो सब इसमें रहते हैं। बाकी अपना बॉयज़ हॉस्टल ये पूरा है, बाकी आगे में भी दिख रहा होगा यार आपको, इसमें मैं जूम तो कर नहीं सकता भाई, लाइट कितनी कम हो गई। तो ये अपना है, इसमें मतलब बीए बीएससी ज़्यादातर इसी में रहते हैं, वो आगे वाला खाली है क्योंकि अभी बच्चे इतने नहीं हैं यार। एंड अब सोच रहे हो ना यहाँ से मैं उधर जाऊँगा, बट वहाँ नहीं जा सकता मैं क्योंकि यार आगे गर्ल्स का है एंड वहाँ जाना मना भी है। एंड ये अपना एंट्रेंस बालक भोजनालय, तो इधर अपना खाना वाना होता है, मेस का पूरा इधर ही रहता है। तो आगे अपना मेस से आगे, लाइटिंग भी अब ख़त्म होने वाली है, एंड अपना कैंपस टूर भी ख़त्म होने वाला है। वाह 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 वाह, मतलब गोप्रो खोला और लाइट्स ऑन, समझ गए होंगे ना मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, चलना क्या ही आगे, क्या ही जाना है आगे। देन फिर एग्जिट ही है गेट के बाहर, सीधा मेन रोड अपना। अब सीधा मिलता हूँ आपको रूम में यार, तो रूम में चलते हैं, आगे की बातें फिर करते हैं। बॉयज आ गए यार ऊपर, एंड इधर अपने रूम्स हैं। एंड एक चीज़ यार इनमें कॉमन वॉशरूम एंड कॉमन टॉयलेट्स हैं इधर। पटना और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जैसे रहता है ना बहुत गंदा सा, वैसा नहीं है इधर, हर दिन सफाई सफाई भी होती है, तो एकदम बढ़िया सा है। तो अब आपको दिखाते हैं यार रूम वूम कैसा सिस्टम रहता है रूम का, औरों की तरह नहीं ऐसे मतलब कैंपस एक नॉर्मल नहीं बताते हो, देखने वालों को भी नहीं लगता यार ये रियल में कुछ चीज़ जैसी है वैसे। बताएंगे यहाँ ये कोर्स आप ये कर सकते हैं, यहाँ एक बहुत ही अच्छा वातावरण, ये सिस्टम नहीं अपना। तो यार मैं आ गया था रूम में, एंड कैसा लगा आपको कैंपस तो कमेंट्स में बता देना, बाकी और चीज़ें बताता हूँ मैं यहाँ की क्या क्या सिस्टम है कैसा कैसा है, अपना मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मीन्स तो क्या आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए या कैसा है, मतलब
कैंपस कैसा है, पढ़ाई कैसी है, ये सब चीजें। तो पढ़ाई वढ़ाई तो बढ़िया है मतलब एकदम। एंड एक और मेन चीज यार, जिस चीज के लिए मतलब मैं आया है, मुझे सही लगता है कि हाँ सही किया मैंने यहाँ आके, तो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ आया। एंड प्रैक्टिस के लिए ये जगह एकदम मस्त है। अगर आप भी सोच रहे हो इधर एडमिशन लेने का, मेनली अगर प्रैक्टिस पे फोकस है आपका तो आप आ सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसा मतलब माहौल पसंद है कि घूमना फिरना या फिर ज़्यादा हॉस्टल में ना रहना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। जैसे रूम से रिलेटेड बहुत से मतलब मेरे को आते हैं कमेंट्स व्लॉग्स में, तो सबका अलग अलग बताना मतलब एकदम मतलब बहुत वो रहता है। तो मैंने सोचा यार एक इस पर पूरी वीडियो बना दे, तो इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई कैंपस टूर की। एंड रूम से रिलेटेड है यार, तो रूम्स आपको शेयर करने पड़ेंगे, इंडिविजुअल रूम्स नहीं मिलते इधर, मतलब मुश्किल है, शेयर करने पड़ते हैं तीन बंदों को। मीन्स एक कैंपस टूर था, तो इसमें तो इतना ही। ठीक है यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।